नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सुबह मुजफ्फरपुर रवाना हुए हैं। जी हां, तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार पीड़ित बच्चों से और मृत हुए बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं आवास से निकलते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताया। आइए जरा सुनते हैं उन्होंने क्या क्या बताया। उनको पता है कि जिस प्रकार से चमकी बुखार जो है लगभग 500 जो है बच्चे हैं उनकी मृत्यु हुई और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से जो है सुविधा होनी चाहिए थी लोगों को और ख़ासतौर पर जो इंतज़ाम करना चाहिए था इलाज का और ख़ासतौर पर जांच जो करानी चाहिए कि आखिर ये क्या वजह क्या है जिसकी वजह से ये मृत्यु हो रही है, इस पर हमको नहीं लगता कि सरकार जो है गंभीरता से इस मामले को लेने का काम कर रही है। इतने मौतें होने के बाद भी फिर आप देखेंगे 3-4 दिन बाद जो है लगभग 8 मौतें हो रही हैं। तो इस मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, जाकर के देखेंगे कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। कम से कम सरकार को गंभीरता से सारी चीज़ों को मसले को लेना चाहिए। और ये जब एजी ने जब मेंशन किया और जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया उसमें स्पष्ट हो गया कि बिहार जो है सेकंड जो है पीछे से सेकंड लास्ट स्टेट है, नंबर पर है, जो पूरी तरीके से हेल्थ मैनेजमेंट को पूरी तरीके से हेल्थ पॉलिसीज़ को जो है पुअरली मैनेज करती है और एक भी पॉलिसी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हमने तो कहा कि नीतीश कुमार जी को इन मामले में कम से कम गंभीर होना चाहिए था, लेकिन जो भी मसला है उनको तो अपनी कुर्सी की चिंता है। बड़ा अस्पताल भी मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार बनवा रहे हैं। अब देखिए, बड़ा अस्पताल बनवा रहे हैं नहीं बनवा रहे हैं, 15 साल उन्होंने राज किया, कई अस्पताल जो हैं खाली रहते बिना डॉक्टर के, होते सुविधाएँ नहीं होती। तो मुख्यमंत्री तो जो भी है उनको तो चिंता है नहीं बिहार के लोगों की, उनको तो चिंता केवल अपनी कुर्सी की है। कल भी हमने उनका बयान देखा तो उन्होंने जो शब्द जो यूज़ की घिच पिच और पता नहीं क्या क्या जिस प्रकार से बोल रहे थे घिच पिच, तो हम तो कहना चाहते हैं घिच पिच तो उन्होंने कर करके 15 साल मुख्यमंत्री बने रहे और हम लोगों को कौख कहते हैं, तो वही कौख भैया बार बार जिस प्रकार से वो पलटी मारते हैं। यहाँ तिथि चोरी वाला जो किताब चोरी करके मुख्यमंत्री JNDU स्टूडेंट का अपने नाम से छपवाता हो, वैसी पढ़ाई लिखाई हमको उनसे नहीं सीखनी है। और आप देखिएगा BJP के लोगों को धमकी दे रहे थे जिनके बदौलत वो CM है, और उन्होंने एक बात ज़रूर कहा कि चुनाव बाद जो है देख लेंगे जो लोग बोल रहे हैं। अरे चुनाव से पहले देखिए ना, यानी आप तो स्वार्थी हुए हैं। ऐसे लोगों को अगर आप चुनाव के बाद देखिएगा तो ये तो स्वार्थी का निशानी है। गिरिराज सिंह ने तो कम से ट्वीट करके जवाब जो भी हो उनको तो चुनाव से पहले ना देखना चाहिए था नीतीश कुमार जी को। पहले क्यों नहीं देख रहे हैं, बाद में क्यों देखेंगे चुनाव के बाद? और अगर अपने ही काम पे इतना विश्वास है, विकास पे इतना ही विश्वास है, उन्होंने काम किया तो हिम्मत जुटा करके चुनाव अकेले लड़ लें, पता चल जाएगा, ना घिचपिच होगा ना कुछ होगा। इनको तो बताना चाहिए लोगों को। झारखंड की क्या स्थिति है? झारखंड में भी आप लोग क्या लगता है कि गठबंधन झारखंड में बन जाएगा आप लोगों का और कितने सीटों पर कम से कम आप चुनाव मांग रहे हैं? देखिए, पार्टी के लोग जो हैं वहाँ जो हमारे राज्य के जो नेता हैं और पदाधिकारी हैं वो लगे हुए हैं इसमें महागठबंधन में, और हम लोगों ने तो पहले भी कहा कि झारखंड में महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल का जो हम लोगों का जो डिमांड है लगभग 10 से 12 सीटें कम से कम जो है हम लोग जो है मांग करेंगे कि हम लोग जो हैं यहाँ अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, फिर महागठबंधन के लोग बैठेंगे, जो फैसला होगा वो। प्रधानमंत्री के अमेरिका जाने से लगता है कि कुछ भारत पर उसका असर पड़ेगा और जो लोग आर्थिक मंदी से परेशान हैं? आप मंदी से परेशान हैं, लोग मंदी से बहुत परेशान हैं। अभी उन्होंने क्या किया, टैक्स कम कर दिया कॉरपोरेट्स का, 30 से लगभग जो है 22 या कुछ किया है, यानी लगभग जो टैक्स कलेक्शन में 1.5 लाख करोड़ का नुकसान जो है भारत को होने जा रहा है। पहले से ही जो है मंदी है, टैक्स कलेक्शन जो होना चाहिए था, जो टैक्स में जो कॉरपोरेट्स के लिए जो बढ़ाया था आपने वो तो कम हो गया, इसकी भरपाई जो है कौन करेगा? ये जो 1.5 लाख यानी कुछ भी होता है तो कॉरपोरेट्स में तुरंत जो